आजि सीपीआईएम तरफ भुवनेश्वर महानगर निगम ऑफिस सामने विभिन्न दाबी नहीं विक्षोभ प्रदर्शन करा जाएगी। मुख्यतः छह दफा दाबी पूरण करने दल पक्ष बीएमसी कार्यालय घेराव करा जाएथिला। ए कोविड महामारी रे श्रमिक माने जीविका हराइछंती, सरकार ताको साहाज्य एवं काम देबे बोली कहिथिले। से कथा कुआडे गला बोली सीपीआईएम नेता प्रदीप नायक प्रश्न करिथिले। सेबली सरकार लेबर कार्ड रे पैसा देबे बोली कहिथिले, किंतु बीएमसी जणको मध्य पैसा देई नाही। से पैसा कुआडे गला बोली बीएमसी कमिश्नर एहर जवाब रखंतु बोली श्री नायक कहिथिले। अरे स्वास्थ्य सेवा जगाई पाउन केंद्र सरकार राष्ट्र सरकार कम्युनिस्ट पार्टी पक्षर समग्र देश में गत 17 तारीख रु आज 22 तारीख पर्यंत देशव्यापी हड़ताल प्रतिवाद डाकरा दि जाएगी। केन्द्र एवं विभिन्न राज्य सरकार कोविड मैनेजमेंट फेल्युअर संपर्क जो कम देश प्रवासी श्रमिक घर को फेरी थे से वर्षक 200 दिन कम देवे वर्ष सारा कम जोगाई देवे सरकार प्रतिश्रुति से प्रतिश्रुति आज धूआमाण होती। लेबर कार्ड होल्डर पंजीकृत श्रमिक एपर्तंत 1500 टाँचा कोविड आसीस्टान्स पाइले ना, जहाँ आज आम प्रथम मुद्दा आम आज बीएमसी कमिशनर कहूँ मुझे कहना चाहती बीएमसी कमिशनर चरम विफल होती दिगरे कहीं लेबर कमिशनर पाखु समस्त। भुवनेश्वर विश्वजीत दास रिपोर्ट।